की गुड एम सी, अर्चना वाजपेयी जी, ओके अर्चना मैम गुड एम सी, भगवान पटेल जी गुड एम सी, दिव्यांग सिंधिका जी ओके गुड एम सी, मैम ओके भावना जी थैंक यू रखी है मैंने, रमेश जी गुड एम सी, सो यस मिनी जैन मैम गुड एम सी, मैं बढ़िया हूँ आप कैसे हैं, एंड राहुल शर्मा जी गुड एम सी, ओके जगदीश यादव जी गुड एम सी, ललेश जी गुड एम सी, इति मैडम थैंक यू, ओके सो फ्रेंड्स आप सभी का तहे दिल से स्वागत है रवि के शर्मा इस फेसबुक पेज पे, एंड सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूंगी रवि जी का जिन्होंने आज अपॉर्चुनिटी दी है मुझे कि मैं अपनी जो भी अचीवमेंट है या अपनी जो भी इस इंडस्ट्री में मैंने इतने टाइम में सीखा है वो बातें आपके समक्ष रख सकूं, सो ये अपॉर्चुनिटी मुझे रवि जी द्वारा मिली है, तो रवि जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आई थैंक यू, ही इज अ ग्रेट लीडर, अ ट्रू लीडरशिप क्वालिटीज जो रवि जी के अंदर हैं, और बहुत सारे यंगस्टर्स को प्रेरणा मिलती है उससे, और थैंक यू रवि जी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, एंड यस वेलकम एवरीबडी, आप सभी का स्वागत है, और मैं आपके कमेंट्स ओके स्पेक्स जबरदस्त लग रहा है, थैंक यू भावना मैम आपका धन्यवाद, यस वी लव आई एम सी ओके जगदीप जी, इवन वी लव आई एम सी, चलिए फ्रेंड्स आज के विषय पे जाने से पहला मैं एक दो लाइनों के साथ आज के इस सेशन का आगाज करूंगी, उससे पहले मैं याद करना चाहूंगी हमेशा की तरह ईश्वर खुदा भगवान जिसको भी हम मानते हैं उनको याद करेंगे और नमन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और हम याद करेंगे हमारे माता पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिनकी वजह से आज हम लाइफ में जो भी है जहाँ भी है सारा श्रेय हमारे पेरेंट्स को जाता है, लव यू मॉम आई लव यू डैड, आप सभी लोग जो भी जीवन में है माता पिता को सारा उसका श्रेय जाता है, उसके बाद में मैं याद करना चाहूँगी इस इंडस्ट्री में मुझे वुमेन से वुमेन प्रनर का जो सफ़र मेरा तय हुआ या इस इंडस्ट्री से जो भी कुछ मुझे हासिल हुआ, और इस इंडस्ट्री में मुझे जन्म देने वाले मेरे मेंटोर एंड अपलाइन आदरणीय डॉक्टर आनंद वाजपेयी सर, आपको भी नमन, और इन सभी के आशीर्वाद से आज के सेशन का आगाज करेंगे हम, आई वेलकम यू ऑल, आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स, मैं सेशन कंप्लीट होगा उसके बाद डेफिनेटली मैं आपके सारे कमेंट्स जरूर पढ़ूंगी, और सेशन के दौरान आपके कमेंट्स का रिप्लाई करना मेरे लिए थोड़ा सा टफ है और ये बात आप लोग आई थिंक समझते हैं, और आपका ये जो कमेंट्स वगैरह आप करते हैं या जो लाइक्स आप देते हैं वो हमारे लिए बहुत वैल्यू करता है, क्योंकि आप अपने वैल्यूबल टाइम को निकाल के ये सारी चीजें हमारे लिए करते हैं, सो फ्रेंड्स दो लाइनों से आगाज करूंगे मैं आज के सेशन का, मयूरी मैम गुड एम सी, अपमान मत करो नारियों का इनके बल पर ही तो जग चलता है, अपमान मत करो नारियों का इनके बल पर ही तो जग चलता है, पुरुषों में आज तुमको याद दिलाना चाहते हूं, जितने पुरुष मुझे सुन रहे हैं मैं उनको याद दिलाना चाहते हूं, हर पुरुष जन्म लेकर इसी नारी की गोद में ही तो पलता है, यस और आपको इस शायरी से समझ में आ गया होगा कि आज का जो मेरा टॉपिक है वो है विमेन एम्पावरमेंट पे, महिलाओं के ऊपर खास, फ्रेंड्स मैं महिला को सशक्तिकरण बोल सकते हैं या विमेन एम्पावरमेंट जो हम करते हैं इसका उद्देश्य ये नहीं होता है कि मैं ये बताना चाहती हूँ कि महिलाएं बहुत स्ट्रांग हैं, महिलाएं बहुत महान हैं, पुरुष लोग बस ऐवे ही हैं, कुछ उनमें क्वालिटी नहीं है या सारे पुरुष ऐसे हैं, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, मैं हर पुरुष का आदर करती हूँ, हर उस पुरुष का जो हर एक महिला का आदर करता हो, सो वुमेन एम्पावरमेंट का लॉजिक कभी भी ये नहीं रहा है कि हम महिलाओं को महान दिखाकर पुरुषों को खराब दिखाते हैं, इट्स नेवर लाइक दैट, ऐसा नहीं है, मैं वुमेन एम्पावरमेंट को इसलिए प्रमोट करती हूँ, मैं ये वुमेन एम्पावरमेंट क्यों करती हूँ उसका रीजन ये है कि मैं केवल महिलाओं को उनकी जो शक्ति है वो रियलाइज करवाना चाहती हूँ,
कि उनके अंदर क्या क्वालिटीज है, उनको एक बार फिर याद करवाना चाहते हूं महिलाओं को कि आपके अंदर जो क्वालिटीज है या आपके अंदर की जो काबिलियत है उसको प्लीज एक बार देखिए। हनुमान जी भी जब अपनी शक्तियां तो उनके पास बहुत सारी थी, लेकिन जब भूल गए थे तो याद दिलाने की जरूरत पड़ी थी। तो इसलिए वुमेन एम्पावरमेंट भी कुछ ऐसा ही है फ्रेंड्स, कि याद दिलाने की जरूरत पड़ती है कि आपकी क्वालिटीज और आपकी शक्तियां क्या है। यस, गुड आइम सी एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे वुमेन एम्पावरमेंट पे। कुछ जीवन के सत्य, कुछ जीवन के फैक्ट्स मैं आपसे शेयर करूंगी, आपको अच्छा लगे या नहीं अच्छा लगे, लेकिन ये जीवन की सच्चाई है और ये नहीं बदलने वाली। ये तो फैक्ट है जो मैं आपसे अभी शेयर करने वाले हूं, और बहुत सारी बातें हम अगले 1 घंटे में करने वाले हैं। और मैं आशा करते हूं कि आप सभी लोग मेरे साथ इस सेशन के एंड तक बने रहेंगे, क्योंकि आज ये जो सेशन है ये भले ही महिलाओं पर आधारित है, वेमेन्स के लिए है, लेकिन आपकी टीमों में भी ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो काम कर रही है, तो उनके लिए भी ये बहुत ही अनिवार्य सेशन हो सकता है। सो फ्रेंड्स, इस सेशन से कुछ ले जाइएगा। मैं कोशिश करूंगी कि इस सेशन से आप कुछ ले जाएं और अपनी टीमों में अपनी जो विमेन एसोसिएट्स हैं उनको प्रेरणा दें। फ्रेंड्स, मैं एक अपनी छोटी सी जर्नी से समझाना चाहूंगी कि विमेन्स की लाइफ जो होती है बहुत ही स्ट्रगलिंग और बहुत ही चैलेंजेस वाली होती है। हर किसी के लाइफ में डिफरेंट चैलेंज है। बहुत सारी जो मैरिड वुमेन्स है ना, वो ये सोचती है कि जी आप तो अनमैरिड हो, आपके मन में जो आता है वो आप कर सकते हो, जी आपकी तो पेरेंट सपोर्ट है, आप मैरिड होते तो और फिर कुछ करके दिखाते तो हम मानते। ऐसी बहुत सारी महिलाएं जो है ऐसी धारणाएं रखती हैं जो अनमैरिड है उनके लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि महिला मैरिड हो या अनमैरिड हो, चैलेंजेस परिस्थितियां तो सबके साथ है, डिफरेंट है थोड़ी सी, पर परिस्थितियां सबके साथ है। आपको क्या लगता है कि जब एक अनमैरिड वुमेन या एक यंग वुमेन जब जाती है बिजनेस करने के लिए या सोचती है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूंगी, तो उसके फैमिली वाले क्या बोलते हैं कि अच्छा बेटा नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, तथास्तु, जाओ हम आपके साथ है, खुश रहो, आगे बढ़ो, ये करो, इस टाइप का कुछ रिप्लाई होता है क्या उनका? हाँ जी, बिल्कुल नहीं होता। हमारे लिए भी प्रश्न होते हैं, जानते हैं क्यों? क्योंकि इस इंडस्ट्री को शायद अभी भी उतनी रिस्पेक्ट की नजरों से नहीं देखा जाता है कि इसमें महिलाओं को फ्रीडम मिल जाए। यस, सो जो फीमेल्स अनमैरिड है उनके लिए भी चैलेंजेस होते हैं, उनको भी घर पे जवाब देना पड़ता है, उनको भी बताना पड़ता है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग हमने क्यों करनी है। वी हैव चैलेंजेस, ऑफकोर्स आपकी ये गलतफहमी है। फ्रेंड्स, नेटवर्क इंडस्ट्री महिलाओं को क्या दे सकती है और ये इंडस्ट्री वुमेन्स को क्यों करनी चाहिए, ये सारी चीजें आपके इस सेशन के एंड होते होते बहुत क्लियर हो जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा एंड तक। सो फ्रेंड्स, कुछ मिथ्स हैं लोगों के माइंड में, कुछ धारणाएं हैं जो पहले से चल रही है, सोच, एक सोच कहते हैं ना, सोच, एक सोच चल रही है पहले से लोगों के मन में, विचार, मिथ्स जिसको हम कहते हैं। खानदान का नाम तो बेटा ही रोशन करता है, ये कहावत आपने सुनी होगी, ज्यादातर लोग बोलते हैं। मैं आज कुछ एग्जांपल्स आपको देना चाहूंगी। मैं अगेन बता दूं कि मैं विमेन एम्पावरमेंट प्रमोट कर रही हूं, उसका मतलब ये नहीं कि मैं पुरुषों के अगेंस्ट हूं या हर पुरुष गलत है, मेरा ये मानना है, जी नहीं। मैं केवल महिलाओं को सोसाइटी, समाज और ये जो थॉट प्रोसेस है लोगों की, उससे रूबरू करा के उनके जो पावर्स है उनको रियलाइज करवाना चाहते हैं, दैट्स ऑल। और यस, समाज की आज भी सोच है, आप शायद मेट्रो सिटीज में रहते हैं, बड़े शहरों में रहते हैं तो आप ये फेस नहीं करते होंगे, लेकिन जो छोटे शहरों में या नॉन मेट्रो सिटीज में रहते हैं उनसे पूछिए कि उनकी लाइफ में पीड़ाएं कितनी है। सो फ्रेंड्स, खानदान का नाम तो बेटा ही रोशन करता है, ऐसा हमने अक्सर सुना है। तो मैं आज आपको एक बात कह दूं कि ये धारणा, यह जो विचार है कि बेटा ही नाम रोशन करेगा खानदान का, इसको गलत प्रूव किया है एक महिला ने जिसका नाम है इंदिरा गांधी। उन्होंने अपने खानदान का नाम रोशन किया है, विकिपीडिया पे पढ़िएगा, उनके बारे में पता लगेगा। कुछ लोग ये सोच रखते हैं कि महिलाओं की यानी वुमेन्स की आवाज सुनता ही कौन है, कौन सुनता है इनकी, कौन सुनेगा, लेकिन इसको रॉन्ग प्रूफ किया है लता मंगेशकर जी ने। आज पूरी दुनिया उनकी आवाज की दीवानी है, लोग सुनते हैं उनको, महिला है वो भी एक, सुनते हैं लोग उनको। कई लोग कहते हैं कि महिलाओं का स्पोर्ट्स में क्या काम है यार, खेल कूद कर क्या करना है, आखिरकार तो चूल्हा ही संभालना है, क्या करेंगे आप खेल कूद में ध्यान लगाकर,
ये तो मेल्स की एक्टिविटीज है, मेल्स का काम है, उनको करने दीजिए, महिलाएं क्या करेंगी। तो इसको भी रॉन्ग प्रूफ किया है साइना नेहवाल ने, या बोल सकते हो सानिया मिर्जा ने, प्रूव्ड इट रॉन्ग। ये सोच जो विचार है हमारे, ये महिलाओं ने रॉन्ग प्रूफ किया है। कई लोग बोलते हैं कि महिलाएं बहुत इमोशनल ड्रामेटिक होती हैं, बहुत ज्यादा ड्रामा करती हैं यार, इनको रोने धोने के अलावा इनको कुछ आता नहीं, कोई भी परिस्थिति हो जाए, कुछ भी हो जाए जीवन में, ये रोना धोना चालू कर देती हैं, रोने धोने के अलावा कुछ आता नहीं। इस चीज को टोटली रॉन्ग प्रूफ किया है किरण बेदी ने, किरण बेदी जी हम सभी जानते हैं, उन्होंने प्रूफ किया इस चीज को कि ये रॉन्ग है। हर महिला रोती धोती है या हर महिला इमोशनली बहती है ऐसा जरूरी नहीं है, शी हैज प्रूव्ड इट। फ्रेंड्स, कई लोग कहते हैं कि ले देकर तो खाली घर की रसोई ही संभालेगी, ले देकर तो खाली घर का किचन का ही स्टफ संभाल सकती है, वही चीजों पे खाली उसका बजटिंग करना, ये करना, किचन को संभालना, यही कर सकती है। लेकिन इसको रॉन्ग प्रूफ किया है इंदिरा नूई ने, जो पेप्सी की सीईओ है, पूरी पेप्सी कंपनी संभाल रही है यार, सीईओ है। आपको अभी भी लगता है कि महिलाएं सिर्फ रसोई संभाल सकती हैं? ये कुछ थॉट प्रोसेस है जो सालों साल से चलती आ रही है यार, बहुत सालों से, और यही थॉट प्रोसेस की वजह से विमेंस कई बारी आगे नहीं बढ़ पाती है, बहुत डिमोटिवेट हो जाती है, बहुत टूट जाती है, कमजोर फील करती है अपने आप को। लेकिन मैं आज इस सेशन के द्वारा हर महिला को प्रेरणा देना चाहूंगी और उनको रियलाइज करवाना चाहूंगी आज कि व्हाट क्वालिटीज यू हैव, थिंक ओवर इट माय डियर फ्रेंड्स। विमेन एम्पावरमेंट हमें क्यों करना पड़ता है? बिकॉज की विमेन्स को आज भी एम्पावरमेंट का जरूरत है, आज भी उनको बहुत सारी चीजें हैं जो वो नहीं समझ सकती या नहीं समझ पा रही है। दैट्स व्हाई वी डू दिस विमेन एम्पावरमेंट। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स, विमेन एम्पावरमेंट पे कुछ बात करते हैं। हमने मंदिरों में देखा है, जैसे पूजा करने जब हम जाते हैं देवी माँ की, हम पूजा करते हैं, वहां जाते हैं पूजा करते हैं देवी माँ की मंदिर में, मैंने कई लोगों से ऐसे सुना है कि मंदिर में जितनी चीजें होती हैं वो सब महिलाओं के नाम पर ही होती है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर अगर लें कि बोल सकते हैं आरती हम करते हैं, आरती इज अ विमेन वर्ड राइट, ज्योति भावना है ना, दिया जो जलाते हैं हम, दिया उसकी बात कर लें, माता लक्ष्मी देवी सब कुछ, जहां हम माथा टेकने जाते हैं वह सब जगह पे जो सारी चीजें हैं, इवन देवी माता जो है वो सब, सभी नाम को अगर आप देखें, सभी चीजों को देखें, तो महिलाओं के ऊपर ये एक एग्जाम्पल आता है। लेकिन मैं एक चीज यहाँ पे, एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा था कि केवल जो जैसे हम देवी माँ की पूजा करते हैं या लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं या माता जी की पूजा करते हैं, मेरा एक प्रश्न आ रहा था कि क्या वाकई हम आदर करते हैं उनका, मतलब महिलाओं को वाकई हम देवी की तरह या लक्ष्मी की तरह या जिस भी तरह से आदर देना चाहिए, क्या हम वाकई वैसा देते हैं कि केवल मंदिरों में रखकर भूल गए हम? वॉट, क्या ये सोसाइटी या ये जो समाज है या वाकई विमेंस को उतना ये करता है कि सिर्फ कहने वाली बातें हैं कि हाँ जी आप देवी माँ हैं, आप लक्ष्मी हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, ये सिर्फ कहने वाली बातें हैं कि वाकई हम उन चीजों का आदर करते हैं? डू वी रियली रिस्पेक्ट वुमेन्स? कम ऑन, ये प्रश्न मेरे मन में आता है। और मुझे जब जवाब मिलता है इस चीज का, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि सभी लोग डिसरिस्पेक्ट करते हैं वुमेन्स को, जी नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे पुरुष हैं जो वुमेन्स को एम्पावर करते हैं कि विमेंस आगे ग्रो करें। जैसे मैं अगर मैं बात करूं मेरे ग्रेट अपलाइन डॉक्टर आनंद वाजपेयी सर की, उन्होंने हमेशा एम्पावर किया है, और जितनी विमेंस उनकी टीम से जुड़ी है इस बात से सहमत होंगे कि हमेशा उन्होंने हमें एम्पावर किया है। बट क्या हर पुरुष ऐसा है? क्या समाज आपको वैसे ही नजरों से देखता है? एक्चुअली द आंसर इज नो, बिग नो, द आंसर इज नो, आपको समाज उस नजरों से नहीं देखता, स्पेशली छोटे शहरों में। कहते हैं छोटी सोच और पांव की मोच इंसान को जिंदगी में आगे जाने नहीं देती, ये फैक्ट है। जवाहरलाल नेहरू जी कह गए थे कि अगर एक महिला पढ़ती है, आगे बढ़ती है, तो उससे एक गांव आगे बढ़ता है, और एक गांव आगे बढ़ता है तो एक नेशन आगे बढ़ता है, और नेशन आगे बढ़ेगा तो अल्टीमेटली देश जो है हमारा आगे बढ़ेगा, सिंपल है, वो कहते थे। लेकिन क्या इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलता है आज? आज कई सारे वुमेन्स को हम बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग कर लो यार, तो पता है क्या बोलते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग तो हम नहीं करेंगे, हमारे बस का नहीं है। क्यों करें नेटवर्क मार्केटिंग जब अच्छी नौकरी, अच्छी जॉब, अच्छा कुछ तो भी चल रहा है अपना, तो क्यों करें हम?
बहुत सारी विमन्स हैं, मैं विमन्स को उनके फ्यूचर से आज रूबरू करवाना चाहती हूं। मैं ये नहीं कहती कि आपके साथ यही होगा, पर ये भी हो सकता है। हां जी, ये भी हो सकता है, मैं ये कहना चाहती हूं। फ्रेंड्स, मैं सिंपल सी चीज आपको कहना चाहती हूं, कुछ ग्राफ, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर मैं आपसे बात करूंगी। हिंदुस्तान, अगर मैं एक ग्राफ लू ना, ग्राफ विमेन्स के ऊपर, तो ग्राफ के ऊपर मैं आपको बताना चाहती हूं कि 50% केसेस डाइवोर्स के जो है बढ़ चुके हैं पिछले 10 सालों में। पिछले 10 सालों में 50% डाइवोर्स केसेस जो है वो बढ़ चुके हैं। उसके बाद ऑलमोस्ट पिछले 10 सालों में फ्रेंड्स, जो डाइवोर्स के केसेस है वो डबल हो गए उन महिलाओं के जिनकी आयु 50 साल के ऊपर थी। 50 इयर्स एंड अबव 10 सालों में डबल हो गए डाइवोर्स के केसेस। जी हां, एक ग्राफ ये बताता है कि केवल 2/3 विमेन्स ही है, 2/3 विमेन्स हैं ऐसी जिनका डिवोर्स हुआ है और वो डिपेंडेंट है दूसरे मेल्स पे या ब्रदर पे या किसी भी व्यक्ति पे, किसी भी इस पे डिपेंडेंट है। विमेन्स आज की डेट में अगर मैं आपको देखूं तो किन किन चीजों को फेस कर रही है, ये मैं आपको थोड़ा सा फैक्ट बताना चाहते हूं। आप पूछते हैं ना, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करूं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्यों करूं, या पूछते हैं ना, तो मैं उसका जवाब दे रही हूं आपको। यह है डाइवोर्स केसेस के ग्राफ जो हमने देखे हैं, और ये फैक्ट है, गूगल कर लीजिएगा फिगर्स जो मैं आपको बता रही हूं। फ्रेंड्स, आज विमेन्स जो है किन किन परिस्थितियों से गुजर रही है, कौन से चैलेंजेस से गुजर रही है, ये मैं आपको बताना चाहते हूं। नंबर वन, सबसे पहला जो प्रॉब्लम विमेन्स फेस कर रही है आज के जो हम लोग ग्राफ देखे ना टेक्निकली हिंदुस्तान में, तो सेक्सुअल हैरेसमेंट इज अ वेरी बिग ग्राफ नाउडेज। दूसरा, दहेज लेना और देना, ये प्रथा से भी बहुत सारी महिलाएं पीड़ित हैं। आपको नहीं पता क्योंकि शायद आप मेट्रो सिटीज में रहते हैं या ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर इन चीजों का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज महिलाएं इसको फेस कर रही है। एसिड अटैक्स हमने देखा ही है, राइट, सेक्सुअल हैरेसमेंट है, प्रोस्टिट्यूशन है, बार डांसर है। इक्वल पे जॉब्स तो मिल जाती है पर इक्वल पे नहीं मिलता जितना पुरुषों को मिलता है, इसको भी हम देखते हैं। एजुकेशन का प्रॉब्लम, बहुत सारे स्टेट्स में हमारे हिंदुस्तान के आज भी ऐसा है जहां पे महिलाओं को पढ़ने लिखने के लिए इजाजत नहीं है, दे आर नॉट अलाउड, दसवीं भी नहीं पढ़ने देते, दे आर नॉट अलाउड, नहीं अलाउ करते हैं। एजुकेशन की मार, उससे भी स्ट्रगल कर रही है महिलाएं। रिस्पेक्ट जो परिवार से मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिलती, क्यों, क्योंकि बहुत सारे लोगों की सोच क्या है कि बेटा ही है जो घर का, जो बोल सकते हैं, नाम रोशन करेगा या पीढ़ी दर पीढ़ी जो आगे ले जाएगा वो बेटा ही होता है। ये सारी जो चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं ना, ये जीवन का सत्य है। यदि आपने अभी तक फेस नहीं किया तो ईश्वर करे कि आगे भी ना फेस करो, लेकिन ये फैक्ट है, आप इससे नहीं पलट सकते हैं, ये फेस करना पड़ सकता है आपको कभी भी किसी भी परिस्थितियों में। यू कैन, मतलब आपको कभी भी हो सकता है कि ये चीजें फेस करना पड़े। फ्रेंड्स, ये सारे जो चैलेंजेस हैं आपको पता है क्यों आते हैं हमारी लाइफ में, जब हम इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। महिलाएं जो है ना इंडिपेंडेंट नहीं होती है, उनको कभी भी ये ख्याल नहीं आता है, अपने लिए नहीं सोचती है कि मैं कुछ करूं या मैं कुछ एग्जाम्पल बनूं। उनके अंदर उतना, मतलब वो कर तो बहुत कुछ सकती है लेकिन करना नहीं चाहती है। ये जो चैलेंजेस मैंने आपको बताया ना, डाइवोर्स केसेस, ये वो सारी चीजें, ये भविष्य है, फ्यूचर है। यू कांट से पहले के जो लोग थे ना फ्रेंड्स, यू हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट्स के पहले के जो लोग थे उनको संस्कारों का, रिलेशंस का, ये सब का महत्व पता था। आज दौर बदल गया है, आज रिलेशंस का कितना वैल्यू है ये आप अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से। तो डिवोर्स केसेस क्यों बढ़ रहे हैं मुझे बताने का जरूरत नहीं है। परिस्थितियां आपके साथ जीवन में कैसी भी आ सकती है, क्या आप तैयार हैं? महिलाओं से प्रश्न है मेरा, आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं इन परिस्थितियों के लिए? क्या आप सक्षम हैं इन परिस्थितियों को फेस करने के लिए? क्या अपना फ्यूचर सिक्योर कर लिया है आपने कि अगर कल को 19-20 कुछ हो भी गया तो देख लेंगे यार बहुत कुछ बनाया है, ऐसा है क्या? और यदि नहीं है तो आज के बाद मत पूछना कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करूं, मत पूछना कि मैं नेटवर्क इंडस्ट्री क्यों करूं। सारे सवाल आपके सामने हैं और जवाब भी आपके सामने, निर्णय आपका होगा, आपको लेना पड़ेगा डिसीजन, क्योंकि डिसीजन नहीं लेना भी एक डिसीजन है। जी हां, जो आप वही कर रहे हैं आज तक,
आपको डिसाइड करना पड़ेगा, यू हैव टू डिसाइड। आप भ्रम में है कि आपके माता पिता हैं या सब है देख लेंगे, नहीं होता यार ये सब। फ्रेंड्स, आज विमेन्स को मैं एक नहीं अनेकों रीजन देना चाहते हो नेटवर्क मार्केटिंग करने के, अनेकों रीजन। इस सेशन में मैं आपको अनेकों रीजन दूंगी, इसके बाद किसी को मत पूछना कि मैं क्यों करूं नेटवर्क मार्केटिंग। यू हैव सो मेनी रीजंस, बहुत इंपॉर्टेंट है यार नेटवर्क मार्केटिंग। कुछ ग्राफ्स में आपको और बताना चाहूंगी फ्रेंड्स। वेमेन्स का पॉपुलेशन अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो ऑलमोस्ट 50% का पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड है वेमेन्स का। लेकिन जानते हैं वेमेन्स की जो इनकम सोर्स है उसमें समस्या क्या है? या तो वेमेन्स अंडर एम्प्लॉयड है या तो अनएम्प्लॉयड है, ये फैक्ट है। उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता ना, उनको इक्वल सैलरी मिलता है जो एक मेल्स को मे बी मिलता है। अंडर एस्टिमेट वाला सिस्टम चलता है आज भी कहीं ना कहीं। फ्रेंड्स, सेल्स का ग्राफ बताता है कि विमेन्स जो है बेटर सेल्स पर्सन होती है देन मेन, लेकिन फिर भी उनका वैल्यू है क्या? डू यू गेट दैट मच पेड? मतलब पे मिलता है आपको उसका एक्चुअल? नहीं मिलता, अंडर एस्टिमेट अगेन बिकॉज यू आर अ फीमेल, आप समझिए। उसके बाद में फ्रेंड्स, लीडरशिप का ग्राफ बताता है, ये सर्वे बताता है कि महिलाएं 54% लीडरशिप क्वालिटीज रखती है, वेर एज मेल्स कितना रखते बताने का जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग क्या बोलते हैं कि विमेन है यार, अंडर एस्टिमेट करते हैं, कैसे कर लेगी, क्या कर लेगी, बहुत सारी चीजें हैं। ये ग्राफ है लेकिन फैक्ट क्या है? आपके पास, आपको लगता है आपकी क्वालिटीज से आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी तो आप गलत हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज देने वालों की मानसिकता आज भी कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्टेड है, डिस्टर्ब है। उनकी सोच ही उनको डिस्टर्ब करके रखी है। अब ये ग्राफ जो मैं आपको बता रहा हूं ये फैक्ट है, दिस इज फैक्ट हैपनिंग वर्ल्ड वाइड, ये वर्ल्ड वाइड हो रहा है। दैट्स व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां पे आपकी लीडरशिप क्वालिटी, आपकी सेल्स क्वालिटी, आपका टैलेंट, आपकी अचीवमेंट, बहुत सारी चीजें हैं। आप प्रूव कर सकते हैं, जो आपकी पोटेंशियल है वहां तक ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इंडस्ट्री में कितना ले जाइएगा? पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स। अब आपको मैं बता दूं कि लगभग 76% महिलाएं जो है नेटवर्क इंडस्ट्री में काम कर रही है, हम सभी लोग ये बात जानते हैं और हम बाकी फैंसीज से। वुमेन्स को नेटवर्क इंडस्ट्री करने से क्या लाभ होगा और वो क्यों एक वुमेन नेटवर्क मार्केटिंग करे, इसका कुछ मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगी। नंबर वन, आइडेंटिटी क्राइसिस जो हमेशा से एक महिला फेस करती आई है। जो हमारा देश है ये पुरुष प्रधान देश है, यहाँ पे महिलाओं को अवसर कम मिलता है या ना के बराबर मिलता है। बहुत सारी सोच है, बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां पे आज भी महिलाओं को घरेलू वस्तुओं में व्यस्त रखना पसंद करते हैं, ज्यादा पढ़ाना लिखाना नहीं पसंद करते हैं। तो आइडेंटिटी क्राइसिस जो है उससे बाहर निकल आने का एक बेहतरीन तरीका है। मैं अपना एक एग्जांपल यहां पे देना चाहूंगी आपको, मेरा एग्जांपल मैं देना चाहूंगी। आप सभी लोग मुझे जानते हैं, मेरी अचीवमेंट उतनी बड़ी नहीं है फ्रेंड्स अभी, क्योंकि इस इंडस्ट्री में महिलाएं जितना महीने का टैक्स भरती उतनी शायद मेरी पे आउट होगी, बड़ी इतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी यहाँ पे कि आज इस इंडस्ट्री ने कम से कम मुझे इतना तो सक्षम बना दिया है कि मैं अपने आप के नाम से जाने जाऊं। आई एम श्योर जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जो लोग मुझे जानते हैं, वो मेरे ड्यू रिस्पेक्ट टू माय फादर, वो मेरे पिताजी का नाम नहीं जानते हैं ना, वो मेरी मॉम का नाम जानते हैं, राइट? नहीं जानते हैं। ये आइडेंटिटी मैंने, लोग मुझे मेरे नाम से जानते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी मुझे इस इंडस्ट्री ने दी है, किसी और ने नहीं दिया था। इससे पहले हमें आपको बताने का जरूरत नहीं है कि हम फादर के नाम से ही जाने जाते हैं। तो आइडेंटिटी जो क्राइसिस हमेशा रहा है महिलाओं के साथ, आप इस इंडस्ट्री से अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान बना सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, ड्रीम्स, सपने हर महिलाओं के होते हैं, छोटे हो या बड़े पूरे कर सकते हैं आप। छोटे से छोटे ख्वाब से बड़े से बड़ा ख्वाब पूरा किया जा सकता है इस इंडस्ट्री से। नंबर थर्ड, फ्यूचर प्लानिंग। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, पांच साल के बाद आपका भविष्य क्या होगा? आप क्या कर रहे होंगे 5 साल के बाद? वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 ईयर्स? मेरा ये प्रश्न है आप लोगों से। जो अनमैरिड है वो ये मत बोल देना कि मैरिज होगी और बच्चे होंगे, उनको संभाल रहे होंगे और ये सारी चीजें हैं। और जिनकी मैरिज हो गई है वो ये मत बोलना कि 1-2 साल में बच्चे हो जाएंगे और वो सब कहानी। फ्रेंड्स, इससे ऊपर भी दुनिया है, इससे ऊपर भी जिम्मेदारियां हैं आपकी, इस देश के प्रति भी और एज अ ह्यूमन बींग भी। खाली एज अ वुमन मत सोचिए, एज अ लाइफ चेंजर सोचिए कि आप कितना काम आ रहे हैं समाज के लिए।
सो फ्रेंड्स 5 ईयर्स अपने आप से आज प्रश्न करना कि 5 साल के बाद मेरा भविष्य क्या होगा और मैं अपने आप को कहां देखती हूं, ये सवाल अपने आप से करिएगा। और जवाब अगर तगड़ा ना मिले तो नेटवर्क मार्केटिंग कर लेना। अगर जवाब तगड़ा ना मिले कि 5 साल के बाद अपने पास BMW, ऑडी, मर्सिडीज या जो भी है, अपने अगर आप मैरिड हैं तो बच्चों का भविष्य या अपने परिवार का जो भी है, अगर ऐसा कोई तगड़ा जवाब नहीं मिला तो नेटवर्क मार्केटिंग कर लेना और शुरू कर देना एमसी बिजनेस को, मेरा ये बोलना है। फ्रेंड्स नेटवर्क मार्केटिंग ही एक इंडस्ट्री है जो महिलाओं को सोशली और फाइनेंशियली उनका क्या रुतबा है ये रियलाइज करवाती है। सोशली फाइनेंशियली आप कहां स्टैंड करते हैं ये रिस्पेक्ट आपको नेटवर्क इंडस्ट्री दिलाती है, कोई और इंडस्ट्री नहीं दिलाती है, पूछता भी नहीं है कोई आपको। ठीक बात है, आपको ये मिलता है, इंडिपेंडेंट जीने का एक तरीका मिलता है। फ्रेंड्स फ्यूचर बोलकर नहीं आएगा, तैयारी आज से करनी पड़ेगी, स्पेशली महिलाओं को। स्पेशली महिलाओं को पता नहीं है फ्यूचर क्या होने वाला है, इंडिपेंडेंट आज बनना पड़ेगा, आज तब जाके फ्यूचर में कुछ भला होगा, आज इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। और नेटवर्क मार्केटिंग आपको अवसर देता है कि आप इंडिपेंडेंट बने। फ्रेंड्स ये कुछ बेनिफिट्स है, ये कुछ रीजंस है जिस वजह से आपको नेटवर्क मार्केटिंग करनी ही चाहिए। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, क्योंकि आपके पास कोई और पर्याय नहीं है यार, आपको यही करना पड़ेगा। और ये इतनी ग्रोइंग इंडस्ट्री है कि मैं आपको क्या बताऊं, इतनी पावरफुल इंडस्ट्री है, बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स नेटवर्क मार्केटिंग करने से करने के क्या बेनिफिट्स हैं, अब आप ये भी सोचते होंगे, मैंने आपको रीजंस दिए हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करूं। अब नेटवर्क मार्केटिंग जो है इसके बेनिफिट्स क्या है, क्यों आपको नेटवर्क इंडस्ट्री ही चूज करनी चाहिए, इसके बेनिफिट्स मैं आपको बताना चाहती हूँ। नंबर वन, पहले तो यह है कि महिलाओं की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है ना, वो ये है कि उनके पास टाइम नहीं होता। टाइम का बड़ा क्राइसिस है यार इनके पास, दे आर नॉट हैविंग टाइम, इनके पास टाइम नहीं होता। प्लस टाइम बाउंडेशन होता है घर से कि इतने बजे जाना है जी, इतने बजे वापस आ जाना है जी, आप इसके अलावा कहीं नहीं जा सकते, किधर जाना है, क्या करना है, बहुत सारे चैलेंजेस है। तो टाइम लिवरेज है, जितना समय उतना समय में आप इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। इट इज पॉसिबल फॉर एवरी वुमन, बहुत इजीली आप बिल्ड कर सकते हैं इसको, यहां पे कोई भी आपको टाइम बाउंडेशन नहीं है। दूसरा फ्रेंड्स, आप जिस भी स्टेट में, जिस भी सिटी में, जिस भी गांव में, कस्बे में रहते हैं, वहां पे बैठ के इस इंडस्ट्री में आप काम कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं अपने बिजनेस को, साल दो साल में हजारों की इनकम ले सकते हैं, आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, विच इज पॉसिबल। फ्रेंड्स यहां पे आपको नेटवर्क इंडस्ट्री में कल्चर मिलता है, कल्चर जो किसी इंडस्ट्री में नहीं मिलता, मान सम्मान का जो कल्चर होता है ना जी, वो इस इंडस्ट्री में मिलता है आपको। मैंने इस इंडस्ट्री को पिछले 4-4.5 साल में जिया है, सो मुझे पता है कि इंडस्ट्री कल्चर देती है, मैंने देखा है। फ्रेंड्स कई सारी महिलाएं ऐसी हैं जो छोटे स्टेट से या छोटी सिटी से बिलोंग करती हैं, उनके लिए परिस्थितियां कठिन रही जिस वजह से वो पढ़ लिख नहीं पाए, तो उनके पास वो सोचती हैं कि हम तो पढ़े लिखे नहीं है, हमारे पास अवसर क्या है। नेटवर्क इंडस्ट्री आपके लिए अवसर है, करिए इसको। नेटवर्क मार्केटिंग किसी डिग्री या किसी भी चीज का डिमांड नहीं करती है, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी, आप इसको करिए। यू कैन इजीली डू नेटवर्क मार्केटिंग, आप पढ़े लिखे नहीं है फिर तो पहले करिए, जरूरी है तुरंत करिए, क्योंकि इंडस्ट्री में ज्यादातर जो सफल है वो नहीं पढ़े लिखे हैं, तो आप हो सकते हैं अगले। विमेंस मैं आपसे कह रही हूं ये बात। फ्रेंड्स एक सबसे इंटरेस्टिंग बात जो इस इंडस्ट्री में, जानते हो कौन सी है, हर महिला को इक्वल अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। मेल्स, आप पुरुष हैं, महिला हैं, आप उम्र में कितने बड़े हैं, आप किस कास्ट से, ये सब कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी है इस इंडस्ट्री में ग्रो करने की। जितना एक पुरुष ग्रो कर सकता है, जितना पे आउट वो ले सकता है, उतना आप भी ले सकते हैं। यू हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी जो नेटवर्क इंडस्ट्री में केवल मिलती है और कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगी। वी हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी। अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट के क्राइसिस का ग्राफ मैंने आपको पहले ही बताया, ये वर्ल्ड वाइड चल रहा है यार, आपके साथ नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं कि नहीं चल रहा होगा, ये चल रहा है वर्ल्ड वाइड। आज भी लोगों की मानसिकता जो है वही है, आज भी ये लोगों की मानसिकता ही है। सो फ्रेंड्स इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ग्रो, अगर कोई व्यक्ति, कोई पुरुष आपकी कंपनी में 10 लाख रुपए कमा रहा है, आप भी कमा सकते हैं 10 लाख, आपके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, यहाँ पे सेम इक्वल अपॉर्चुनिटी। कौन सा इंडस्ट्री देता है यार,
ये इंडस्ट्री देता है। आई एम वेरी प्राउड कि मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूं, मुझे इस इंडस्ट्री ने बहुत कुछ दिया है। जिन लोगों ने इस इंडस्ट्री में काम नहीं किया या नहीं समझ पाए, वो इस इंडस्ट्री को शायद आज भी बुरा बोलते होंगे, लेकिन मैंने इस इंडस्ट्री को जिया है। अपने जीवन के 4.5 साल इस इंडस्ट्री को दिए हैं, IMC बिजनेस को दिए हैं, तो मुझे इस इंडस्ट्री की जो इंपॉर्टेंस है बहुत अच्छे से पता है। जो लोग नहीं जानते इसकी इंपॉर्टेंस, शायद क्योंकि उन्होंने इस इंडस्ट्री को नहीं जिया। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, और मैं कुछ पॉइंट्स पे आपसे बात करना चाहूंगे। कुछ जो मिथ्स है ना मार्केट में, बहुत सारे लोगों के मन में ना कुछ मिथ्स है, कुछ सोच रखते हैं वो लोग महिलाओं के प्रति। ये मार्केट की सोच है, बहुत सारे लोग मिथ रखते हैं कुछ दिमाग में उनके, आज भी चल रहा है। पहले गलतफहमी पता है लोगों को क्या है, कि महिलाएं जो है ना बड़ा नेटवर्क जो होता है, बड़ा नेटवर्क जो है महिलाएं हैंडल नहीं कर सकती है। बड़ा नेटवर्क महिलाएं, बिग नेटवर्क जो है हैंडल नहीं कर सकती है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि महिलाएं जो है बड़ा नेटवर्क हैंडल नहीं कर सकती है। मैं उनको एक एग्जांपल देना चाहूंगी, जो ये सोचते हैं कि महिलाएं नेटवर्क नहीं हैंडल कर पाएंगी, इनके बस का नहीं है यार, ये तो लीडरशिप वाली बात है, ये तो मेल्स के बस का है। तो मैं उनको एक एग्जांपल देना चाहूंगी। नेटवर्क मार्केटिंग में बेसिक की ऑफ सक्सेस क्या है? नंबर 1 इज व्हाट? रिलेशनशिप बिल्डिंग। नेटवर्क इंडस्ट्री चलता ही रिलेशनशिप पे है। आई एम श्योर सभी लोग एग्री करेंगे इस बात से। एंड मुझे ये बताइए कि विमेन से अच्छा रिलेशनशिप बिल्डिंग कौन कर सकता है? हाँ जी, विमेन से अच्छा रिलेशनशिप बिल्डिंग कौन कर सकता है? मैं आपको बता दूं कि विमेन्स जो है ना, उनकी पोटेंशियल इतनी अच्छी होती है कि वो लोग हर फ्यू सेकंड में न्यू फ्रेंड्स बना सकते हैं, ये सर्वे बताता है। फ्यू सेकंड्स, फ्यू मिनट्स में नए दोस्त वो बना सकती है, इतनी उनकी जो रिलेशनशिप बिल्डिंग होता है इतना तगड़ा होता है, इतना तगड़ा होता है रिलेशनशिप बिल्डिंग उनका। कॉन्वर्जेशन में स्मार्ट होती है। हम आप देखते हैं बड़ी बड़ी जो रेस्टोरेंट्स है या बड़ी बड़ी होटल इंडस्ट्रीज हैं या जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, वहां पे डेस्क पे विमेंस को रखा जाता है, बिकॉज की कॉन्वर्जेशन स्किल्स जो है बहुत ही गजब होती है उनकी। जितने लोग ये सोचते हैं कि नेटवर्क इंडस्ट्री में बड़ा नेटवर्क हैंडल करना महिलाओं के बस का नहीं है, तो मैं उनको एग्जाम्पल दे रही हूं कि ये नेटवर्क इंडस्ट्री चलता ही रिलेशनशिप बिल्डिंग पे है यार। 10 लाख की टीम होगी, 20 लाख की होगी, 50 लाख की होगी, चलेगा सिर्फ रिलेशनशिप पे। और महिलाओं से अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कौन कर सकता है, मेरा ये प्रश्न है आपसे। इट इज बिन प्रूवन, महिलाओं से अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कोई कर ही नहीं सकता। तो ये मिथ जो है दिमाग में है कि महिलाएं जो है बड़ा नेटवर्क नहीं हैंडल कर सकती है, मिथ को आपके दिमाग से निकाल दीजिए, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। दूसरा मिथ लोग क्या रखते हैं, गलत फहमी जिसको हम कहते हैं, गलत धारणा जो मन में होती है, क्या होती है? विमेन्स जो है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल करने के लिए सक्षम नहीं है जी, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल करने के लिए अकेले सक्षम नहीं है, इनको सिर्फ सपोर्टिव रोल में रखा जाता है जी, ये सिर्फ सपोर्टिव रोल प्ले कर सकती हैं। ऐसी बहुत सारे लोगों के मन में ना मिथ है, सोच है, ये थिंकिंग है उनकी। जानते हैं क्यों? ये जो थिंकिंग है इनकी, मैं इसके ऊपर एक आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगी। हम सभी लोग एक ये पढ़ते हैं कि जो मैगजीन आती है ग्लोबल फॉर्च्यून, 500 टॉप कंपनीज का उसके अंदर नाम आता है, राइट? उसमें आप जब देखेंगे उसको पढ़ के, तो मैं आपको बता दूं कि जितनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑलमोस्ट हर ऑर्गेनाइजेशन की जो सीईओ है, या बोल सकते हैं कि सपोर्टिंग जो सीईओ है या फॉर्मर MD है, वो सब महिलाएं हैं, सब महिलाएं हैं। ये मैगजीन आप उठा के देखिए, आप ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं उसको। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को विमेन्स हैंडल नहीं कर सकती है, वो सिर्फ सपोर्टिव रोल में होती है, ये मिथ, ये आपकी सोच है। क्योंकि आज आप बड़ी से बड़ी कंपनी देखिए, जिसमें आप IMB की बात करें, पेप्सी की बात करें, जनरल मोटर्स की बात करें, ये सभी कंपनीज की जो सीईओ है वो एक महिला है। तो ये आपकी सोच है कि महिलाएं बड़ा जो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है उसको हैंडल नहीं कर सकती है। उसके बाद तीसरी सोच जो मार्केट में लोग रखते हैं महिलाओं के प्रति, जानते हैं वो क्या है? महिलाएं जो है बड़ी वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकती, यानी बड़ा पैसा, लेविश लाइफ, लग्जरी, धुआंधार पैसा महिलाएं कमा नहीं सकती, ये उनके बस का नहीं है। वो केवल छोटी मोटी नौकरी या थोड़ा बहुत कमाने में उतना ही उनकी सोच होती है, उतने में सिमट जाती है। ऐसा बहुत सारी विमेन्स, ऐसे बहुत सारे लोग जो है ना मार्केट में धारणाएं रखते हैं महिलाओं के प्रति।
मैं उनको एक एग्जाम्पल से समझाना चाहती हूँ, एक एग्जाम्पल से समझाना चाहती हूँ कि स्टडीज ने ये प्रूव किया है, जितनी स्टडीज पीछे हुई है उन स्टडीज ने ये प्रूव किया है कि यूएसए जो आज अगर कंट्रीज की हम देखें तो वर्ल्ड वाइड पावरफुल सबसे कंट्री जो है वो यूएसए है, मुझे बताने का जरूरत नहीं है, राइट। उसमें लगभग करीब करीब 45% मिलीनियर जो है वो महिलाएं हैं, हां जी विमेंस, उसमें से 60% महिलाएं जो है वो अपना फॉर्च्यून ओन करती है, अपना सेल्फ एम्प्लॉयड है जी, वो अपना फॉर्च्यून ओन करती है, ये महिलाओं का पावर है। और लोगों का मिथ क्या है कि महिलाएं जो है बड़ा पैसा या वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकती है, लग्जरी लाइफ नहीं ले सकती हो, ऐसा बहुत सारे लोगों की मिथ है। फ्रेंड्स 2030 तक ये प्रेडिक्शन दिया गया है, 2030 तक ये प्रेडिक्ट किया गया है कि 2/3 ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन विल बी कंट्रोल्ड बाय विमेंस। हां जी 2030 तक 2/3 ऑफ वेल्थ जो है वो महिलाएं कंट्रोल करेगी। मतलब आप सोच सकते हैं कि ये प्रेडिक्शन अगर किया गया है तो उसका लॉजिक क्या है। वेल्थ क्रिएशन, मैसिव सक्सेस, मैसिव पैसा ये विमेंस नहीं कमा सकती है, जो लोग सोचते हैं सोच बदल डालो उनकी, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये प्रूव है। हां जी ये प्रूव है। फ्रेंड्स मैं यहां पे आपको एक चीज लॉजिकल समझाती हूं कि हो सकता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आज 76% विमेंस है। सक्सेस का ग्राफ जो है नेटवर्क मार्केटिंग में अगर हम हिंदुस्तान में देखें, जो भारत में अगर हम देखें, तो शायद विमेंस का सक्सेस का ग्राफ उतना बड़ा नहीं है जितना बाकी के देश विदेशों में है, एंड आई एक्सेप्ट इट। लेकिन हिंदुस्तान में अभी भी बहुत सारी ऐसी, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग तो अभी ही चर्चा में आया है हिंदुस्तान में, लीगल 2016 से हो गया तो अभी अभी रिसेंट है। नेटवर्क मार्केटिंग में भी आप विमेंस में परिवर्तन देखेंगे, विमेंस कितनी ग्रो करती है नेटवर्क मार्केटिंग में, आज आप ये हिंदुस्तान में भी देखेंगे, क्योंकि अभी भी हिंदुस्तान में कई सारे जगह की, कई सारे स्टेट्स की, सिटीज की सोच जो है बहुत छोटी थी, बहुत छोटी है। आज भी महिलाओं को लोग फ्रीडम नहीं देते, इसके लिए हमारा जो देश में नेटवर्क इंडस्ट्री में महिलाएं जितनी सक्सेस होनी चाहिए वो नहीं हो पाती हैं, राइट। बहुत कम महिलाएं जिनके अंदर डेयरिंग है, जिनके अंदर कुछ कर गुजरने की चाहे, वो किसी चीज से रुकती नहीं, वही महिलाएं जो है सफल होती हैं। लेकिन ये जो ग्राफ है सक्सेस का मैं आपको बता रही हूँ वर्ल्ड वाइड है, लेकिन बहुत जल्द आप हिंदुस्तान में भी देखेंगे ये परिवर्तन। भारत में जो आज मोदी जी हमारे आकर बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत बनाइए, ये बनाइए, वो बनाइए, ये कैसे पॉसिबल होगा इस इंडस्ट्री से, और हर महिला को इस इंडस्ट्री में काम करना पड़ेगा अगर उसको इंडिपेंडेंट बनना है, सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, तो ये बात समझनी पड़ेगी। फ्रेंड्स हर इंडस्ट्री में महिलाओं ने अपना परचम लहराया है, हर इंडस्ट्री में। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगी, हो सकता है कि ग्राफ जो है कम है पुरुषों के कंपेयर में, लेकिन ऐसा नहीं है कि महिलाएं किसी और इंडस्ट्री में या बाकी इंडस्ट्रीज में सफल नहीं होती है। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगी ये बात, आपको अच्छी लगे या बुरी, लेकिन महिलाओं ने परचम लहराया है। स्पोर्ट्स में हम बात करते हैं तो सानिया मिर्जा याद आती है, राइट, सानिया मिर्जा याद आती है। बॉलीवुड में बात करते हैं तो प्रियंका चोपड़ा याद आती है। पुलिस डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें जहां पर रिस्पेक्टेड लेवल्स है, तो हमें किरण बेदी जी याद आती हैं। ब्यूटी इंडस्ट्री में हम बात करते हैं तो शहनाज हुसैन जी हमें याद आती है। बिजनेस की अगर हम बात करें तो उसमें विनीता बाली जी याद आती है, जो ब्रिटानिया की, ब्रिटानिया जो बिस्किट्स हम लेते हैं, ब्रिटानिया की एमडी एंड फॉर्मर है, राइट। फ्रेंड्स साइंस एंड एस्ट्रोनॉमी की अगर हम बात करें तो कल्पना चावला याद आती है। पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो सोनिया गांधी या तो इंदिरा गांधी याद आती है। फ्रेंड्स नेटवर्क मार्केटिंग की हम बात करें तो अनेकों नाम है, लेकिन मुझे फिलहाल लीजा विल्बर याद आती है, जिनकी 7 figures में इनकम आती है नेटवर्क मार्केटिंग का पावर। बिजनेस की अगर मैं बात करूं दोबारा से तो इंदिरा नुई याद आती है, जो पेप्सी की ऑफकोर्स सीईओ है। फ्रेंड्स हर इंडस्ट्री, मैंने ये कुछ इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल दिए आपको, हर इंडस्ट्री में विमेंस ने परचम लहराया है, लेकिन ग्राफ जानते क्यों है महिलाएं, ये आंसर मेरा ध्यान से सुनिएगा। ग्राफ इसलिए कम है क्योंकि कुछ ही महिलाएं हैं जिनके अंदर कर गुजरने की चाह है, और कर गुजरने की यदि चाह है तो वो जिगर भी है, वो पोटेंशियल भी है, वो किसी से नहीं डरती यार, वो किसी कोई चीजों से नहीं डरती है, वो निडर हो जाती है, वो निडर हो जाती है। शी इज रेडी टू कॉम्प्रोमाइज, शी इज रेडी टू फेस दिस वर्ल्ड, शी इज रेडी कि आप जो भी बोलना चाहते हैं, जो भी बकवास करना चाहते हैं, आप जो चीज करना चाहते हैं कर लीजिए, वी विल नॉट स्टॉप।
कुछ ही महिलाओं के अंदर ये स्पार्क होता है जो हर इंडस्ट्री में आपको देखने मिलेगा, जो मैंने आपको बताया है। ऐसा नहीं है कि हर विमन कुछ नहीं कर सकती, हर विमन सब कुछ कर सकती है, सब कुछ यार, सब कुछ। लेकिन कुछ ही महिलाएं कर पाती है, क्योंकि उनके अंदर और बाकी महिलाओं के अंदर जो डिफरेंस है वो केवल एक ही है, और वो डिफरेंस ये है कि वो महिलाएं जो है डिसीजन ले लेती है तो पलट के नहीं देखती है, उनके अंदर कुछ कर गुजरने की चाह है। आपके अंदर है क्या? आस्क योरसेल्फ। हमें किसी ने कुछ दो बात बोल दिया, किसी की कोई बात हमें बुरी लग गई, तो हम क्या करते हैं? बैठ जाते हैं, रोना धोना, इमोशनल ड्रामे, ये सारी चीजें हम शुरू कर देते हैं। ये इमोशनल चीजों से आपको लगता है कि आपकी लाइफ चलने वाली है? इमोशंस बहुत पावरफुल चीज है फ्रेंड्स, राइट टाइम पे और राइट जगह पे यूज करना पड़ेगा इसको, बहुत जरूरी है। विमेंस अगर इस इंडस्ट्री में सफल होना चाहती हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में, एमसी बिजनेस में आप सफल होना चाहते हैं, तो मैं आपको फटाफट 10 स्टेप्स दूंगी, 10 स्टेप्स। फटाफट आप सभी लोग इस स्टेप्स को नोट डाउन करिए, स्टेप्स को नोट डाउन करिए, 10 स्टेप्स। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में, आईएमसी बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो कौन से स्टेप्स आपको उठाने हैं अगर आप एक फीमेल है तो? नंबर वन, बिलीव योरसेल्फ। महिलाओं में यह बड़ा प्रॉब्लम है, उसको उनको अपने आप पे ना बिलीव बहुत कम होता है। बहुत कम महिलाओं में कॉन्फिडेंस होता है कि आपने किया है मैं भी कर सकते हूं, उनके अंदर ये बिलीव, क्योंकि भगवत गीता में कृष्ण जी कहता है कि बिलीव सबसे पावरफुल चीज है और बहुत जरूरी है। बिलीव हर किसी को चाहिए फ्रेंड्स, लेकिन महिलाओं का जो बिलीव होता है ना खुद के प्रति विश्वास, वो बहुत कम होता है। बहुत कम महिलाएं इतना बिलीव रखती है कि मैं भी 10,000 लोगों में बात कर सकती हूं, मेरा भी एक दिन करोड़पति लिस्ट में नाम आएगा, इतना सोचने का भी जिगर नहीं है। इतनी पोटेंशियल, इतना बड़ा बिलीव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर वन पॉइंट, फीमेल्स अगर आप इस इंडस्ट्री में सफल होना चाहती हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बिलीव रखें अपने आप पे, यकीन होना चाहिए, इतना मजबूत यकीन होना चाहिए, इतना मजबूत कि कोई इसको तोड़ ना पाए। नंबर वन, वेरी इंपॉर्टेंट टू बी सक्सेसफुल इन नेटवर्क मार्केटिंग, बिलीव योरसेल्फ, अपने आप पे विश्वास रखो। अभी नहीं हुआ कोई बात नहीं, दोबारा कर लेंगे, फिर हो जाएगा यार, ऐसा बिलीव रखना पड़ेगा, बिलीव। नंबर टू, सेकेंड पॉइंट कौन सा आपको रखना है अगर आप नेटवर्क इंडस्ट्री में सफल होना चाहते हैं? थोड़ा सा ईगो को छोड़ना पड़ेगा यार। बहुत सारी फीमेल्स इससे सहमत नहीं होंगे, और बहुत सारी फीमेल्स को लगेगा नहीं जी हमारे में तो ईगो नहीं है, तो मैं आपको बता दूं मैं ईगो का डेफिनेशन क्या है। इस इंडस्ट्री में जो आपको सफल बना सकती है, ठीक बात है, अगर आप एक महिला है आपको सफल बना सकती है दूसरी महिला, राइट? क्योंकि मेल्स के साथ ज्यादातर मेल ईगो प्रॉब्लम होता है ना, मेल ईगो प्रॉब्लम होता है उनके साथ। आपको इस इंडस्ट्री में यदि कोई सफल बना सकती है तो वो दूसरी महिला है, जिससे आप प्रेरणा लेकर, जिससे आप सीख कर इस इंडस्ट्री में सफल हो सकती हैं। आपको क्या करना है? ईगो को छोड़ना पड़ेगा यार, थोड़ा सा ईगो को साइड पर रखना पड़ेगा, और उस फीमेल्स को वाकई अप्रिशिएट करना पड़ेगा, वाकई प्रेस करना पड़ेगा, और उसी से आपको सीखना पड़ेगा। बहुत सारी विमेंस को ना ये मंजूर नहीं है, एक महिला दूसरी महिला की तारीफ करें ये बहुत ही कम होता है। हाँ जी, बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम। बहुत सारे लोग डिसएग्री भी करेंगे लेकिन ये फैक्ट है जी। दो सुंदर महिलाओं को देखा है एक दूसरे की बेनिफिट, एक दूसरे की तारीफ करते हुए? हाँ जी, पॉसिबल नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। ईगो हमारा कहां आता है जानते हैं? कहां आता है? या इस इंडस्ट्री में आपको आपका ये जो ईगो है ना, विमन वाला ईगो, मैं इस विमन से हेल्प नहीं लूंगी, मैं इस विमन की प्रशंसा नहीं करूंगी, इसको छोड़ना पड़ेगा यार, इसको छोड़ेंगे तभी सफल होंगे। सेकेंड पॉइंट ध्यान रखिए, विमेन ही है जो आपको इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ा सकती है, आपको आगे ले जा सकती है इस इंडस्ट्री में, वो एक विमन ही है। आपको उसकी प्रशंसा करनी पड़ेगी, उसको प्रेस करना पड़ेगा, उससे सीखना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। 100% राइट बात है ये, पूजा जी आप एग्री करते हैं? यस हाँ, क्योंकि आपने इस इंडस्ट्री को जिया है। तीसरा पॉइंट जो एक विमेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज विमेन्स आर टू शाई टू डू एनी वर्क। विमेन्स को बहुत ज्यादा शाइनेस फील होता है किसी भी काम को करने के लिए, बहुत ज्यादा शर्माती है वो ड्रेस कोड पहनने के लिए, अनजान लोगों से बात करने के लिए, बहुत सारी चीजें हैं। यू हैव टू लिव इट, सब छोड़ना पड़ेगा शाइनेस। जो व्यक्ति शर्माता है वो कभी एक अच्छा सेल्समैन नहीं बन सकता, और जो सेल्समैन नहीं अच्छा बन सकता है वो इस इंडस्ट्री में टिक नहीं सकता, क्योंकि अल्टीमेटली ये बेचने वाला काम है।
अपने आप को बेचना पड़ेगा, ये प्रोडक्ट को बेचना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को बेचना पड़ेगा, कुछ तो बेचना पड़ेगा ना। लेकिन शायनेस छोड़नी पड़ेगी, डोंट बी शाय। आपको बात बात पे शाय फील होता है, शाय फील होता है आपको बात बात पे कि मैं ये कैसे बोलूं, ये कैसे करूं, वो कैसे बोलूं। स्टेज पे भी माइक जब मिलता है तो हम बहुत शाय फील करते हैं कि आप आफ्टर यू पहले आप बोल लीजिए, इस टाइप का हमारा एटीट्यूड होता है। लेकिन शायनेस वाला काम इस इंडस्ट्री में नहीं चलता बॉस, बिल्कुल नहीं चलता। थोड़ा सा आपको आपकी शाइनेस जो है साइड पे रखनी पड़ेगी, राइट। थर्ड पॉइंट, लीव योर शाइनेस, छोड़ दीजिए। शर्म आती है, छोड़ दीजिए, शर्माना छोड़ दीजिए, इंडस्ट्री को नहीं छोड़ना जी, शर्माना छोड़ दीजिए। थर्ड पॉइंट। फोर्थ, विमेन्स के साथ जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, पता है, जानते हैं प्रॉब्लम क्या है? शॉर्ट टेम्पर होती है, इको एंगर, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, इस इंडस्ट्री में आपको लोग सही मिलेंगे, गलत भी मिलेंगे। कुछ बातें आप ऐसी भी सुनेंगे जो शायद आपने अपेक्षा नहीं करी थी, लेकिन कुछ बातें आप ऐसी सुनेंगे जो सुनने के बाद आपको लगेगा कि यार इस बंदे ने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, दिल करता है इसका मुंह तोड़ दूं, ऐसा गुस्सा आएगा। लेकिन लेकिन कंट्रोल करना पड़ेगा उस गुस्से को, उस शॉर्ट टेम्पर। ठीक है, ठीक बात है, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि कोई भी विमेन अपनी बुराई या विमेन के लिए जो वर्ड्स या जो बातें बोली जाती है कोई भी महिला नहीं सुन सकती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको थोड़ी सी मजबूरी है, अभी सुनना पड़ेगा। आपको मौका मिलेगा जब आप पलट के लोगों को अपनी अचीवमेंट से जवाब देंगे, लेकिन अभी नहीं बोलना है, अभी नहीं बोलना है, सुन लेना है, जस्ट इग्नोर। हर भौंकने वाला कुत्ता काटेगा नहीं यार, क्यों टेंशन ले रहे हो, नहीं काटेगा। और जब बादल गरजते हैं ना तो वो बरसते नहीं है, बरसने वाले होते तो डायरेक्ट बरस जाते हैं, आप समझिए इस बात को। सो विमेन्स, आपके गुस्से को आपको थोड़ा साइड रखना पड़ेगा। कुछ ऐसी बातें आप सुनेंगे जो आप नहीं सुनना चाहते थे, लेकिन उसके ऊपर रिएक्ट नहीं करने का, डोंट रिएक्ट, जस्ट लिसन एंड इग्नोर, टाइम से उसको जवाब देना है। ठीक बात है। नेक्स्ट इज, फिफ्थ पॉइंट इज एक्सक्यूजेस, बहाने जो है महिलाओं के पास बहुत ज्यादा होते हैं, मैंने देखा है। ये सारे बहानों को आपको छोड़ना पड़ेगा अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना चाहते हैं तो। लीव योर एक्सक्यूजेस बिहाइंड, छोड़ दीजिए अपने बहानों को कि मेरा पति मुझे इजाजत नहीं देता, मेरी फैमिली मुझे इजाजत नहीं देती है, मेरे बच्चे हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं महिला हूं, मैं ये कैसे करूं, मैं वो कैसे करूं। इतनी सारी चीजें, इतने सारे बहाने सब छोड़ दीजिए, क्योंकि जिस भी महिला ने अपने बहाने एक्सक्यूजेस नहीं छोड़े वो इस इंडस्ट्री में सफल नहीं हुई है। आप चाहते हैं कि इस इंडस्ट्री में सफल हो तो बहानों को छोड़ना पड़ेगा यार। एक्सक्यूजेस या तो सक्सेस, दोनों चीजें इकट्ठे नहीं मिलती है लाइफ में, कभी भी इकट्ठे नहीं मिलेगी, ये आपको समझना पड़ेगा। प्रीति मैडम, गुड एमसी, कैसे हैं आप? सो आपको अपने एक्सक्यूजेस को छोड़ना पड़ेगा, एडजस्टमेंट चालू करनी पड़ेगी यार। बहुत एक्सक्यूजेस है महिलाओं के पास, मैंने देखा है, बहुत ज्यादा एक्सक्यूजेस है। प्लीज ये एक्सक्यूजेस को साइड पे रखिए, विमेन्स एक्सक्यूजाइटी से पीड़ित है, स्टॉप दिस। आपको सफल होना है तो एक्सक्यूज बंद करना पड़ेगा आज से। कितना भी दूर हो, कैसी भी परिस्थिति में हो यार, पहुंच जाएंगे हम, सिंपल। सिक्स्थ पॉइंट जो है फ्रेंड्स, आपको नेटवर्क इंडस्ट्री में आना है और सफल होना है तो आपको डिसीजन मेकिंग एटीट्यूड थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। बहुत सारे डिसीजन है जो खुद से लेने पड़ेंगे, विमेन्स के अंदर ये एटीट्यूड थोड़ा सा कम होता है, कई लोगों में होता भी है। विमेन्स डिसीजन मेकिंग एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है विमेन्स के लिए। डिपेंडेंसी वाला एटीट्यूड थोड़ा सा छोड़ दीजिए आप जब इस इंडस्ट्री में आ जाते हैं तो। टेक योर कॉल, टेक योर डिसीजन बाई योर ओन, आपकी सफलता का डिसीजन कोई और नहीं ले सकता, नहीं लेगा, आपको खुद लेना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि जब मुझे प्रोस्पेक्ट्स बुलाते थे कि हाँ जी इधर आ जाओ, या किसी को प्लान दिखाना होता था या कोई, तो मैं पूरे घर वालों से, पूरी पंचायत बिठा के, सबसे पूछ के कि हाँ जी मैं चले जाऊं, मैं क्या बात करूं, क्या बोलूं, आपको लगता है मैं ऐसे प्रोसेस के बाद जाके किसी प्रोस्पेक्ट से मिलते थे? या कहीं डिस्टेंस पे ट्रैवल करना होता था तो मैं पूरा मंडली को साथ में लेके ट्रैवल करना, ये सारी चीजें मैंने करी है? नहीं जी, डिसीजन मैंने खुद लिए अकेले। सही हो या गलत, टेक योर ओन डिसीजंस, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको मजबूत बनाते हैं। निर्णय लेने की जो कला है आपको सीखनी पड़ेगी, वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप इस इंडस्ट्री में सफल होना चाहते हैं। फटाफट खुद से डिसीजन लीजिए और खुद डिसाइड करिए, दूसरे के डिसीजन पे आप सफलता नहीं हासिल की जाती। टेक योर ओन डिसीजंस, वेरी इंपॉर्टेंट। सेवेंथ, स्टॉप थिंकिंग अबाउट सोसाइटी एंड पीपल, बहुत महत्वपूर्ण चीज।
आप अपनी सोसाइटी, समाज, लोग लोग क्या कहेंगे, वो ऐसा बोलता है, परिवार क्या सोचेगा, मेरे चाचा ये सोचेंगे, ताया बुआ फलाना ढिमकाना, कजिन वजिन, पड़ोसी अड़ोसी, सबकी चिंता को आग लगा दीजिए। ये थोड़ा सा रूड लगेगा लेकिन ये सच है। समाज क्या सोचता है ये भी आप सोचेंगे तो समाज क्या सोचेगा, यू नीड टू अंडरस्टैंड। समाज ने आपको दिया क्या है, आपके समाज ने, आज तक ये देश भी पुरुष प्रधान कहलाता है और आप इस समाज की सोचते हैं, यू थिंकिंग अबाउट दिस सोसाइटी। हर व्यक्ति बुरा नहीं है सोसाइटी में, माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन जो बुरा है उसके लिए क्यों सोच रहे हैं आप? जिसने आपके बारे में बोलना है, जिसने विमेंस को एम्पावर नहीं करना है, उसने नहीं करना है, तो उसके बारे में क्यों सोचना? तो सफल हो के सुनिए ना, फिर असफल हो के क्यों सुनना चाहते हैं आप लोगों की? सोसाइटी, पीपल, ये वो ताम झाम, ये सब लोग आपकी प्रशंसा करेंगे जब आप सफल हो जाएंगे। विमेन, स्टॉप थिंकिंग अबाउट दिस सोसाइटी एंड दिस पीपल। ये लोग जो अपने जीवन में खुद असफल है, ये आपको सफलता का ज्ञान क्या देंगे? ये फैक्ट है। नेवर थिंक अबाउट पीपल, फर्क नहीं पड़ता, आपको पता है ना आप किस लिए काम कर रहे हैं और कहां जाना चाहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। उसके बाद आठवां पॉइंट इस इंडस्ट्री में सफल होने के लिए क्या है, अपने आप के ऊपर सिंपति, अपने आप के ऊपर दया करना बंद करिए। बहुत सारी विमेंस करती हैं, बहुत सारी विमेंस जो है वो आज भी ये करती हैं, सिंपति वाला सिस्टम इनका चलता है। मैं आपको बता दूं, नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद कोई मेल है फीमेल है नहीं होता यार, जेंडर का कोई लेना देना नहीं है सफलता से। यू आर अ लीडर, और लीडर नीडर होता है। सिंपति लेना बंद करिए, इमोशनल कि मैं कैसे जाऊंगी, मैं क्या बोलूंगी, मैं अकेले हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, व्हाट, नॉट रिक्वायर्ड। सिंपति का जरूरत नहीं है, आप सक्षम है खुद। जब तक आप अपने आप पर तरस खाते रहेंगे, ये समाज, ये सोसाइटी आपके ऊपर तरस खाता रहेगा। आप डिसाइड करिए, आपको अपने आप पर तरस आता है तो तरसते रहिए। फिर लोग यही बोलेंगे, अच्छा बेचारी विमेन यार, हाँ ठीक है, 2000 बिजनेस वॉल्यूम भी देगी, 20,000 भी देगी तो बड़ी बात है, इस टाइप का लोग सोचते रहेंगे। आपकी पोटेंशियल नहीं बढ़ने वाली कभी अगर आप अपने आप पे तरस खाते रहेंगे। सिंपति वाला सिस्टम है ना, इसको बंद करिए यार, नॉट रिक्वायर्ड। नेटवर्क इंडस्ट्री में आने के बाद जेंडर का कोई लेना देना नहीं है, इट्स जस्ट अ लीडरशिप जो आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ाती है, और आप एक लीडर है, बात खत्म। अ लीडर मतलब नीडर, डिसीजन खुद लेने का, काम खुद करने का, दैट्स ऑल। किसी के सहायता की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, डोंट टेक सिंपथीज, जरूरत नहीं है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिंपति। अपने आप को दया की नजर से मत देखिए यार, अबला नारी बिचारी टाइप का, राइट? आई जस्ट हेट इट व्हेन पीपल डू दिस। कितने सक्षम है आपके अंदर, भगवान ने क्या खूबी दी है आपको अंदाजा नहीं है इस चीज का, डोंट डू इट, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। नाइन्थ पॉइंट जो इस इंडस्ट्री में आपको सफल बना सकता है, वो नाइन्थ पॉइंट है जो अधिकतर महिलाएं करती है, इस इंडस्ट्री को बीच में मत छोड़ना यार, बीच में इस इंडस्ट्री को मत छोड़ना। बहुत सारी विमेंस करती हैं, शुरुआत तो एक्साइटमेंट के साथ करती है, बहुत ऊर्जा के साथ, एनर्जी के साथ। दूसरी विमेन जो कोई भी एक्सवाईसी होगी उसको देखकर इंस्पायर होकर शुरू कर देती है, लेकिन बीच में इस इंडस्ट्री को छोड़ देती है, बीच में ही इस इंडस्ट्री को छोड़ देती है। जानते क्यों? क्योंकि सोसाइटी प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, हस्बैंड प्रॉब्लम, राइट, चिल्ड्रंस का प्रॉब्लम, समाज का प्रॉब्लम, अपलाइन का प्रॉब्लम, डाउनलाइन का प्रॉब्लम, किसी ने कोई कमेंट कर दिया वो प्रॉब्लम, कोई उसके बारे में वो बाहर जाती मीटिंग्स के लिए तो कोई फिजूल कमेंट करता वो प्रॉब्लम, इमोशनल हो के इस इंडस्ट्री को। आपके सपने एक कमेंट पे डिपेंड करते हैं, हां जी, लाइक सीरियसली, कि आपका जो सपना है, जो आपने देखा है कि इस देश के लिए या अपने परिवार के लिए कुछ करना है, वो एक कमेंट पे, एक प्रॉब्लम छोटी सी जो आई है उस पर डिपेंड करता है। आप ऐसे ऐसे बदलेगा आपका भविष्य? हाँ जी, दिस इज द वे यू वांट चेंज योर लाइफ, व्हाट? अपने आप से पूछिए, हाँ क्या मतलब इस इंडस्ट्री को छोड़ने का रीजन क्या है आपके पास? बड़ा फालतू सा सिली रीजन, नहीं सफल हो पाए, कोई बात नहीं यार, जिंदगी थोड़ी ना खत्म हो गई है, दोबारा से करिए, दोबारा से करिए। मैं महिलाओं को एक बात समझाना चाहती हूं यहां पे, विमेंस, महिलाएं जो है वो एक मां होती है, ठीक बात है, मां, यदि आपकी अगर पहली डिलीवरी सीजरिंग से होती है या ऑपरेशन से होती है तो आप दोबारा डिलीवरी नहीं करते हैं क्या? आप मना कर देते हैं? हां जी, दोबारा दर्द सहने के लिए रेडी होते हैं ना आप? यू डोंट डिनाई, यू रेडी टू
बेर दैट पेन देन व्हाई नॉट हियर, यहां क्यों नहीं? छोटी सी एक कमेंट या छोटी सी एक फालतू सी बात से आप डिसीजन ले लेंगे? ये लोग यही चाहते हैं, जो कमेंट करते हैं ना, ये लोग यही चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में ऐसे ही रहे, ऐसे ही रहे, कुछ ना करें। और पता है क्या मजाक बनाएंगे यही लोग कि अच्छा जी बहुत शुरू किया था, हाँ जी अब देख लो क्या परिस्थिति है, राइट? यस, ये होने वाला है। पता है मजाक कब आता है? जब आप उनको ना सुन के या उनकी बात सुन के भी अपने काम से नहीं हटते हैं। कर्म जो करेगा उसको फल मिलेगा, कभी हरी कृपा तो कभी हरी इच्छा, लेकिन मिलेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस इंडस्ट्री को बीच में जो व्यक्ति, जो महिलाएं छोड़ देती है, ध्यान से सुनना मेरी यह बात, लोग यही चाहते हैं कि आप असफल हो जाएं और आपकी, आपका मजाक बने आपके परिवार में, आपके लोगों में, आपके समाज में, और बाद में यही लोग जो है आपकी गॉसिपिंग चालू करें। डिसीजन इज योर्स। फेल हो रहे हैं, सफल नहीं हो रहे हैं, उस व्यक्ति को पकड़िए जो आपको सफल बना सकता है, दोबारा से काम चालू करिए। दैट्स द स्पिरिट, दैट इज द स्पिरिट। मोटिवेशन अंदर से बाहर होना चाहिए, बाहर से अंदर काम नहीं करता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड वुमेन्स। आई होप आप मुझे समझ पा रहे हैं, जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं समझ पा रहे हैं आप लोग, राइट? फ्रेंड्स, आखिरी 10वां पॉइंट जो आपको इस इंडस्ट्री में सफल बना सकता है, जानते हैं वो क्या है? अपने आप को इजाजत दीजिए बड़ा सोचने की। हाँ जी, बड़ा बड़ा सोचने की इजाजत। मैंने शुरुआत में कहा था कि महिलाएं जो है बड़ा सोचने से भी डरती हैं। मैं आपको बता दूं, लॉजिकली, जो टेक्निकली अगर मैं कहूं तो ये बातें लोग बोलते हैं कि विमेंस जो है रिस्क टेकिंग एटीट्यूड नहीं होता, इसके लिए बिजनेस में विमेंस ज्यादा नहीं होती हैं। ये फैक्ट होगा, मे बी, आई डोंट नो, आई हैव नो क्लू, लेकिन लोग बोलते हैं ये बात कि विमेंस का रिस्क टेकिंग एटीट्यूड नहीं होता। और जानते हैं ये क्यों बोलते हैं लोग? क्योंकि विमेंस के अंदर वो जिगर नहीं होता है, वो पोटेंशियल नहीं होता। मतलब वो, ऐसा नहीं कहूंगी कि पोटेंशियल नहीं होता, वो सोचना ही नहीं चाहती उतना बड़ा। मैं, आप जितनी महिलाएं मुझे सुन रहे हैं, मैं आई एम श्योर मैंने आपको लिखकर दे सकती हूँ, लिखकर। आपने अपना पे आउट भी सोचाऊंगा ना तो 2 लाख 3 लाख 1 लाख मैक्स ऐसा सोचाऊंगा, 4 लाख 5 लाख मैक्स। कोई महिला का इतना, मतलब मुझे, मैंने नहीं सुना आज तक अपनी लाइफ में। अगर आप सोचते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि कोई महिला ये बोले कि साला महीने का 1 करोड़ रुपया हम कमाएंगे, इतना बोलने का भी जिगर नहीं है। लेकिन मेल्स को सुना होगा आपने ये बोलते, वो बोलते हैं, वो बोलते हैं, ओपनली बोलते हैं करोड़ों रुपए, ये करोड़ों की बात, इतना जिगर होता है। 10th और आखिरी पॉइंट इस सेशन का यही है कि अलाउ योर सेल्फ टू थिंक बिग। बड़ा सोचेंगे तो बड़ा करेंगे जीवन में। फ्रेंड्स, जो जितना बड़ा सोच सकता है वो उतना बड़ा कर सकता है। जितना छोटा सोचिएगा उतना छोटा ही होगा लाइफ में। आप विमेन्स जो है ये 2-4 लाख रुपए या ऐसा चिंदी टाइप का काम करने के लिए इस इंडस्ट्री में नहीं आए हैं। यू हैव अ बिग पोटेंशियल, कम ऑन, सोच के तो देखो। सोचेंगे तो कोई गोली मार देगा क्या? नहीं मारेगा ना यार, तो सोचिए, कम ऑन, यू हैव टू थिंक ओवर इट। आपको सोचना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, इतना तो जिगर रखिए, थिंक ओवर इट, बहुत ज्यादा जरूरी है। सोचने का भी जिगर नहीं है। और मैं ना, जो लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्टेड है, मैं उनको एक छोटा सा होमवर्क देना चाहती हूँ। आप है ना, मुझे पर्सनली ईमानदारी से भगवान को, ईश्वर को, खुदा को हाजिर नाजिर रख कर मुझे आज वो फिगर बताएंगे कि मैं IMC बिजनेस से मैंने अपने लिए इतने का पे आउट सोचा था या सोचा है अब तक कि मैं इतना कमा सकती हूँ इस बिजनेस में। मुझे ईमानदारी से खुदा को हाजिर नाजिर रख के बताएंगे आप ये बात। मैं देखना चाहती हूँ कि किस फीमेल्स की कितनी थॉट प्रोसेस है। और मैं आपको बता दूं कि इतना तो 4.5 साल में मुझे एक्सपीरियंस हो गया कि कोई व्यक्ति कितना सोच रखता है, ये मुझे एटलीस्ट पता लग जाएगा। सो फ्रेंड्स, मैं आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देती हूँ जो विमेंस मेरे साथ जुड़ी है। आप कितना सोची है, अब तक क्या सोचा है आपने, वो मुझे बताइएगा। आई एम वेटिंग, मुझे बताइएगा व्हाट्सएप पे। फ्रेंड्स, ये 10 पॉइंट आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सफल बना सकते हैं। 10 पॉइंट ये मैंने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किए हैं,
मैं अब भी सीख रही हूं, मेरे पास अच्छे अच्छे मेंटर्स हैं जिनके मार्गदर्शन से मुझे बहुत सारी चीजें सीखने मिलती हैं, एंड आई एम स्टिल लर्निंग। और आप सबका आशीर्वाद रहा तो हम बहुत आगे तक इकट्ठे जाएंगे, एंड आई वॉन्ट एवरी वुमेन टू ग्रो। अब यहां पे मैं एक बात खाली ये कहना चाहूंगी कि आप जिस भी नेटवर्क इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, डेफिनेटली करिए, ईश्वर करे कि आप उस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में बहुत सफल हो, महिलाओं का भी नाम आगे हो, महिलाओं को भी लोग जाने, ये मैं कामना करती हूँ। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं आपको कहना चाहूंगी कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हमारे पास बहुत सारी है, मैं बॉम्बे से बिलोंग करती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने IMC बिजनेस को ही क्यों चुना, इसका एक छोटा सा रीजन मैं आपको आज देना चाहती हूँ। नंबर वन इज कल्चर, जो नेटवर्क मार्केटिंग में महिलाओं को मिलना चाहिए वो कल्चर मुझे केवल और केवल IMC बिजनेस में मिला। जो कल्चर एक वीमेन को मिलना चाहिए, एक जो रिस्पेक्ट, एक जो जो कहते हैं ना उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन जो मिलने चाहिए, वो सारी चीजें पॉजिटिव वो मुझे IMC बिजनेस में मिली। इसीलिए मैंने IMC बिजनेस को एज अ करियर चूज किया, नंबर वन पॉइंट। सेकेंड, इट्स एन इंडियन ब्रांड, स्वदेशी कंपनी है। विदेशों में तो बहुत सारी महिलाएं हैं जो आज लाखों करोड़ों रुपए जो है कमा रही है, लाखों करोड़ों रुपए कमा रही है। विदेशों में बहुत सारी महिलाएं हैं, हिंदुस्तान में कितनी है जो इस इंडस्ट्री से कमा रही है? कम ऑन, मैं इस इंडस्ट्री में इस कंपनी के माध्यम से हिंदुस्तानी जो लिस्ट है ना इंडियन वुमेन्स की जो नेटवर्क इंडस्ट्री में है, उस लिस्ट में नाम अपना लाना चाहती हूं। ये एक सोच के साथ मैंने इस बिजनेस को किया, बिकॉज इट्स एन इंडियन कंपनी, मुझे गर्व है। विदेशों में लोग कमा रहे हैं यार, महिलाएं कमा रही है 7 figures 8 figures ऐसे कमा रही है, लेकिन इंडियन में, इंडियन कंपनीज में, इंडियन लिस्ट में इंडियन वुमेन का नाम नहीं है, वो नाम हमें लाना है। एंड आई टेल यू कि अगर आप इस मतलब IMC बिजनेस से जुड़े हैं तो आप भी राइट प्लेटफॉर्म पे हैं। मैं ये नहीं कहती कि कोई दूसरी कंपनीज बुरी है या गलत है, मैं सभी कंपनीज का आदर करती हूँ। आई रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज, आई लव ऑल द डायरेक्ट सेलर्स, नो हार्ड फीलिंग्स, लेकिन मैं अपनी सोच बता रही हूँ कि मैं इस इंडस्ट्री में या IMC बिजनेस में क्यों हूं। कल्चर, रिस्पेक्ट, स्वदेशी कॉन्सेप्ट, ये सारी चीजें मुझे बड़ी अट्रैक्ट करी, जिस वजह से मैं इस इंडस्ट्री में हूं। मैंने 4.5 साल दिए हैं इस कंपनी को, और मैं नमन करना चाहती हूँ जो कंपनी के ओनर हैं आदरणीय अशोक भाटिया जी एंड माननीय श्री सत्यन भाटिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने के लिए। एंड जाते जाते फ्रेंड्स, बस इतना ही मैं कहूंगी, आपके लिए मेरा समय जो है समाप्त हो चुका है, और मैं इतना ही कहूंगी केवल कि मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने आज के इस सेशन से कुछ सीखा होगा, और यदि सीखा है तो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करिएगा। मुझे बार बार महिलाओं को अपनी शक्तियां याद दिलाना पड़े, ऐसा अवसर मत लाइए यार, खुद ऐसे एग्जाम्पल्स बन जाइए कि आपको लोग देख के अपने आप इंस्पायर हो जाए और एम्पावर हो, मैं यही चाहूंगी। एंड थैंक यू रवि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिल से, ही इज अ ग्रेट डायनामिक पर्सनैलिटी, एंड थैंक यू रवि जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आई थैंक यू ईच एंड एवरी एसोसिएट, एक एक लोगों का धन्यवाद जो इतने कमेंट्स कर रहे हैं, इतने सारे जो हार्ट्स है लाइक्स है भेज रहे हैं, आप सभी का प्रेम पूर्वक धन्यवाद। मैंने सभी के ऑलमोस्ट कमेंट्स देखे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा व्यस्त हूँ इसके लिए आपको रिप्लाई नहीं दिया है, लेकिन यस मैं डेफिनेटली सेशन के बाद आपसे जरूर चर्चा करूंगी। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग हियर, आई लव यू ऑल। जितने लोगों ने सेशन के शुरुआत में ज्वाइन किया था, अब तक सारे के सारे बने हुए हैं, तो एक बार जोरदार तालियां मैं खुद बजाना चाहूंगी ये सभी लोगों के लिए जो इतने डेडिकेटली मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं। सो आई लव यू गाइस। विमेन्स, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी आप सभी को कि प्लीज अपने पोटेंशियल को पहचाने, ये 10 पॉइंट्स जो मैंने आपको दिए हैं इसको फॉलो करें, और अपने जीवन में सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं पुरुषों के लिए भी प्रेरणा का, जो बोलते हैं ना प्रेरणा का स्रोत बने, रीजन बने, इंस्पिरेशन बने, विमेन्स के लिए नहीं मेल्स के लिए भी। लीड विथ एन एग्जाम्पल, ब्रिंग दैट एटीट्यूड, वो एटीट्यूड के साथ काम करिए। लोग कल भी बकवास करते थे, आज भी कर रहे हैं, कल भी करेंगे, फर्क नहीं पड़ता। फोकस लेजर वाला होना चाहिए अपनी सक्सेस पे, अपनी ग्रोथ पे, यही मैं कहना चाहूंगी ओवरऑल। एंड विमेन, बाइबल में लिखा है विमेन कैन चेंज द वर्ल्ड इफ शी डिसाइड्स, ये बाइबल में लिखा है कि अगर एक महिला डिसाइड कर लेती है कि वो ये काम करेगी तो वो पूरे वर्ल्ड को बदल सकती है, बाइबल में लिखा है। सो प्लीज अपनी जो पोटेंशियल है उसको पहचाने, एंड कीप गोइंग, नेवर गिव अप। आपके पास हेल्प है, सहयोग के लिए लोग हैं, उनको उनकी हेल्प लीजिए, और हिंदुस्तान में कोई जो महिलाएं हैं विमेन प्रेनर या नेटवर्क मार्केटिंग में जितनी महिलाएं हैं उसमें अपना नाम जो है
दाखिल करिए, दिस अपॉर्चुनिटी इज ओपन फॉर ऑल, कम ऑन लेट्स ग्रो टुगेदर। एंड मैं आशा करती हूँ कि आज का सेशन आप लोगों के जीवन में कुछ तो बदलाव लाए। ये केवल बातें हैं, ऐसा बातें सुनकर मत चले जाना है, 4.5 साल का एक्सपीरियंस है जो मैंने आपके समक्ष रखा है। सो मैं चाहूंगी कि सभी लोग इसको फॉलो करें। एंड थैंक यू गाइस, आई विल सी यू वेरी सून। एंड रिमेंबर, दिल ये जिद्दी है, जिसका दिल जिद्दी है, जो इंसान जिद्दी है, वो चेंज कर सकता अपनी लाइफ। सो टिल देन टेक केयर एंड या गुड नाइट, ऑलमोस्ट हाफ गुड नाइट, एंड सी यू ऑल, लव यू गाइस, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू वेरी मच, गुड एमसी एंड जय हिंद।